से 100 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना? आपने भी माना कि वो बहुत आसान है, 90 करोड़ का संकल्प। ये देखो, मतलब लगेंगे काम में और पूरी निष्ठा पूर्वा का पूरी ताकत से लगेंगे तो धीरे धीरे श्रृंखला तो बढ़ती ही जाएगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन आपने इन 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 लोगों को, मैं कटेल साहब, लेकिन आपके, मेरा अपना सोचना थोड़ा अलग तरीके का है इस आप मामले में। देखिए देखिए, जैसे अपन ये, वो तो ठीक है, वो अभी भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए। साहब आपसे कोई बोलता नहीं होगा। ये अपन जैसे अभी कितने कितने दिन हो गए अपन को इस व्यवस्था से जुड़े हुए। मैं तो अभी देख रहा हूँ इस सर, व्यवस्था से, जस्ट ए मिनट, इस व्यवस्था से जुड़े हुए और संघर्ष करते हुए मैं निर्जीव लोगों को जगा रहा हूं, जो मृत प्राय हो गए हैं, जो जी जो नोट को कमाने में लगे हुए हैं, और वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि उनके साथ रोज अत्याचार हो रहा है। भाई साहब ये बताएं, अत्याचार जिनके साथ हो रहा है, अभी अभी अत्याचार हुआ, जैसे अरविंद गुप्ता गुना में वो बना नगरपाल, उसकी पत्नी बनी, उसको पार्टी से निकाल दिया, और जगह की पार्टी का साहस नहीं है, केवल गुप्ताओं को निकालने का साहस है इनमें, भारतीय जनता पार्टी के हम पूर्ण ये कह नेताओं रहे में। हैं, हम तो उल्टी बात कह रहे हैं। यदि वो हाँ अरविंद जी बने भी रहते तो समाज का क्या भला कर रहे थे, और देश का क्या भला कर रहे थे, और प्रदेश का क्या भला कर रहे थे? उनकी औकात कुछ भला करने की है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से आपके ऊपर वो सिस्टम थोपा हुआ है, वो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमें वो नियम का 21 ऑब्जेक्टिव है हमारे, उनको पढ़िए आप, मजा आ जाएगा चलो हम एक आपको। काम करेंगे, वो ये जो वीडियो आपने बताया ना, 2200 वीडियो हैं, ये हाँ, हम एक साथ देखेंगे, बात करेंगे निकाल तो मैं ये कह के, रहा हूं कि ये और उसके बाद देखो देखो कटेल जी, एक बार ध्यान से सुनो, ये बहुत नहीं, हम तो देखो आसान। भाई साहब आपकी तरह, देखो भाई साहब आपका छोटा भाई हूँ मैं भी, ताकत से मैं भी कोई काम में लगता हूँ ना तो ताकत से लगता हूँ, और मेरी जो सहन मैं ये काम कटेल कर जी ये लेगी कह रहा हूं कि सर। आपको ताकत से क्यों नहीं लगना चाहिए? हाँ आप क्या अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? बिल्कुल दो बिल्कुल, देना दो चाहो तो, हजार और उन सारी आ हिस्ट्री भ्रष्टाचार की और इसकी हरामखोरी ये बताओ, आपके ऊपर कोरोना थोप दिया गया, आपके ऊपर डिमोनेटाइजेशन थोप दिया गया है, कोरोना की। आपके ऊपर थोपा है। मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री को 5 पत्र लिखे हैं, जिसमें मैंने ये वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया है कि नींबू के 2 बूंद से कोरोना मर रहा है। और मैंने उनके जो है, न केवल प्रधानमंत्री को लिखा, जो कोरोना के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर पांड्या, उनको भी बताया। तो ये तो सब सब दुष्ट हैं, विदेशियों के कब्जे में हैं, ये देश का भला नहीं कर सकते हैं। ये बताइए, आपने डिमोनेटाइजेशन लाया, राइट? फिर जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, उससे ज्यादा करेंसी कैसे आ गई? इसका मतलब है कि काउंटरफीटेड करेंसी भी आ गई। जब हम 4-4 हजार रुपए के लिए लाइन लगा रहे थे, फिर चार 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 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ये कैसे पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? सही बात, हमने इनको जो है, आपको ऐसा कोई सिटिंग डीजी मिलेगा जो 2016 में सिटिंग डीजी होते हुए भी अपने प्रधानमंत्री को 18 सूत्री पत्र लिखता है कि इस तरीके से आपका डिमोनेटाइजेशन सफल होगा, जिसमें एक बात ये लिखी गई थी कि आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी सब अकाउंट खोल दिए हैं, राइट? जो बचे हुए हैं उनके घर जाके जो है ना अकाउंट खोला जाए, राइट? और हर किसी को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, और जिनको जितना पैसा है सब जमा करने दिया जाए, हम बाद में जांच पड़ताल करते रहेंगे। बताइए ना, लंबी लाइन लगती ना, जो है ना कोई फर्जी करेंसी आती, और आज जो है एक भी व्यक्ति नहीं बचता जो कि गड़बड़ी करके या पैसे तो अपने खाते में जमा कर लेता, लेकिन बाद वो में निकल क्लेम तो उसे जाता, करना पड़ता, वो तो निकल रिकॉर्ड में रहता। जाता। तो ये इन लोगों की सोच तो छोटी मोटी है कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएं, इतनी छोटी सोच के लोग जो है ना हमारे ऊपर शासक बने बैठे हुए हैं। क्या क्या शिक्षा है इनकी, क्या सोच है, क्या लक्ष्य है? क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हम कैसे ये लाएंगे, हम तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने आपसे बिल्कुल सही कहा था कि मैथिली क्षण गोत उस मिट्टी के नहीं बने हैं जो सत्य के लिए लड़ते हैं। नहीं वो डानो भाई का बात तो आपके नाम पे था, उनको बिल्कुल नहीं, 1000% था। उन्हें ये मालूम था कि मैं प्रभावी भी होऊंगा, लेकिन गलत बात नहीं मानूंगा। उसका कारण है, उन्होंने सही कहा कि आप कितना जानते हो, ये तो मेरे जिले का एसपी रहा है 3 साल तक, राइट? और उसने वही किया है जो सत्य होता है। तो उन्हें सत्य वाला चेक व्यक्ति नहीं चाहिए ना। नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिए, हम ऐसे उन्होंने बड़े राजनीति, अच्छा ढंग से बोला था। मतलब आप मैंने ये कहा था कि आप हमारे हमारे समाज को आप बिल्कुल प्राथमिकता नहीं देते हैं, और ये लगातार अपेक्षा करते हैं कि मैं आपका सहयोग करूं।
तो हमने कहा ये ठीक देखें, तो उन्होंने भैया कहा भाई ऐसा वैसा फलाना, तो साले क्या बताएं नहीं, आपको, हम वो कहने, हमने देखो यहाँ आपको बताएं, जब मैंने किसको आप ये बताएंगे आपको, ये झांसी के सांसद को हमने भेजा वहाँ राहुल जी के पास बात करने के लिए, तब उन्होंने भी वही बात कही कि दिग्विजय सिंह 1% इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने हमको लौट के बताया। आपकी भी बात हुई कई बार प्रदीप से, आपकी भी प्रदीप जैन आदित्य से कई बार बात हुई आपकी, हाँ हाँ हुई है, हुई है। हाँ उन्होंने हमें बताया था कि हमारी बात हुई है उनसे, हाँ हाँ तो हमने हाँ कहा बताया था उनने हमें, तो हाँ हमने हाँ उनको भेजा क्योंकि हमने कहा देखो हम लोगों ने हाथ खींच लिया तो तुम पार्षद नहीं बन पाओगे अब प्रदीप को, और हम लोगों ने जब साथ दिया था तो तुम एक तरफा एमपी बने थे, हमने मऊरानीपुर से लेके पूरी पट्टी में तुम्हारा सहयोग किया था, झांसी सब लोगों ने, हम लोगों ने नारायण गुप्ता चेलरा वगैरह सब लोगों ने देखो, मदद की तुम्हारी। अब हमें इन व्यक्तियों को जिताने के लिए नहीं, हाँ एकजुट होके हराने के लिए उपयोग हाँ वो करना तभी पड़ेगा, कीमत तभी होने वाली है। चलो और हमें सभी को जोड़ना होगा। हाँ अकेला हाँ बनियों से काम नहीं चलेगा।